भारत से दोबारा टकराने से पहले डर गया पाकिस्तान। बाबर ने मचाया बवाल तो साथियों ने भी खड़ा कर दिया हंगामा। एक एक पैसे के लिए मोहताज पाकिस्तानी खिलाड़ी रो पड़े। एशिया कप के तुरंत बाद और बढ़ जाएगा बवाल। भिखमंगे पाकिस्तान का हुआ बहुत बुरा हाल। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला 28 अगस्त के बाद एक बार फिर से 4 सितंबर को होना तय हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के हौसले पहले से ही पस्त हो गए हैं, क्योंकि उनके देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है और एक एक पैसे के लिए मोहताज पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पहले से ही पाकिस्तान में कंगाली छाई है, नए प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दालचीनी आटे के लिए पाकिस्तान की आवाम दर दर भटक रही है, डॉलर के मुकाबले पैसा आसमान छू रहा है, पेट्रोल डीजल तो वहां के वीआईपी को भी नहीं मिल रहा, बाढ़ ने मामला और खराब कर रखा है। ऐसे में भिखमंगे पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों ने जो बकावत एशिया कप से पहले की थी, अब वो एक बार फिर से उभरने लगी है और ऐसा लग रहा है कि एशिया कप खत्म होते ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों और बोर्ड के बीच जबरदस्त लड़ाई होने जा रही है। बहरहाल जिस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने ही देश से बगावत करने के मूड में है, उससे पाकिस्तान की दुनिया में और ज्यादा किरकिरी होना तय है। वैसे पाकिस्तान के लिए बेइज्जती शब्द कोई नया नहीं है, फिर भी बात भारत से मुकाबले की है तो इस वक्त दुनिया की नजरें इस खबर पर हैं। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया था, लेकिन कई खिलाड़ी इससे खुश नजर नहीं आए थे। एशिया कप से ठीक पहले खिलाड़ियों ने बोर्ड से आपत्ति दर्ज कराई और एक वक्त तो ऐसा लगा शायद पाकिस्तान एशिया कप भी नहीं खेलेगा, लेकिन बाद में किसी तरीके से मामला शांत कराने का प्रयास किया गया, क्योंकि भारत के खिलाफ मैच जो खेलना था। लेकिन एशिया कप के तुरंत बाद खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव करने की मांग कर दी थी और बदलाव नहीं होने पर बवाल मचाने के लिए तैयार थे। फिलहाल सबसे शर्म की बात यह है कि पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी ही ऐसी नीचता पर उतारू हैं जिससे उनके बोर्ड की किरकिरी दुनिया भर के सामने हो रही है। बता दें कि पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम, तेज गेंदबाज शाहिन शाह अफरीदी, विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने सबसे पहले बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोला था और अब ऐसा लग रहा है कि एशिया कप के तुरंत बाद ये फिर से हंगामा खड़ा करने के मूड में है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ बगावत करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिक्कत क्या है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पाकिस्तानी प्रावधान क्या कुछ है। पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? पीसीबी ने 33 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया था। इसमें टेस्ट, वनडे और टी20 के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ ही प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में कई तरह की खामियां हैं, जैसे विदेशी टी20 लीग में भाग न लेने की इजाजत, आईसीसी से जुड़े इवेंट्स की तस्वीरों के राइट्स, आईसीसी इवेंट्स की फीस और खिलाड़ियों का विज्ञापन के लिए साइन करना समेत कई बातें, जिसकी वजह से खिलाड़ी नाराज हैं। फिलहाल इसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से खिलाड़ियों की नाराजगी देखने को मिली है और पाकिस्तान बोर्ड के होश फाख्ता हो गए हैं और डर के साए में बोर्ड बस यही दुआ कर रहा है कि एशिया कप निपट जाए और खिलाड़ियों को किसी तरीके से हाथ पैर जोड़कर मना लिया जाए, ताकि बवाल ना हो और वक्त आने पर कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव किसी तरीके से कर दिया जाए। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है और एशिया कप के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी कितना हंगामा काटते हैं।